नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर प्राची सुदर्शन नेत्रालय भोपाल से, और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और हर बार की तरह इस बार भी हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में पत्थर की आँख या नकली आँख कहते हैं। तो क्या होती है ये पत्थर की आँख या नकली आँख, तो इसी विषय पर मैं आपको जानकारी देती हूँ। देखिए क्या होता है, कभी किसी चोट की वजह से या संक्रमण की वजह से, या जैसे हालिया तौर पर कोविड के बहुत सारे केसेस में बाद में ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस हुआ लोगों को, जिसमें कि आँख के साथ चेहरे का बहुत बड़ा हिस्सा निकालना पड़ा ऑपरेशन करके, तो ऐसे केसेस में बाद में जो डिफॉर्मिटी रह जाती है उसको कवर करने के लिए, रोशनी तो हम वापस नहीं ला सकते लेकिन चेहरे की सुंदरता के लिए दो तीन ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन ये प्रोस्थेटिक आई या नकली आँख है। तो इसमें बहुत कभी कभी यंग एज में लोग किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और पूरा जीवन उन्हें इसी विषमता के साथ बिताना पड़ता है। ऐसे में बहुत सारे प्रभाव हमारे मानसिक स्थिति पर पड़ते हैं, जिसमें कि कॉन्फिडेंस कम हो जाना, बहुत से लोग हैं जो जीवन साथी की तलाश में हैं लेकिन कहीं ना कहीं चेहरा सुंदर ना होने की वजह से वो इस बात से पीछे हट जाते हैं और एक अपनी दुनिया में रहते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना है कि वो भी आम लोगों के बीच में बिना किसी चश्मे के जा सकते हैं और कॉन्फिडेंटली अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो जॉब का इंटरव्यू हो, चाहे जीवन साथी की तलाश हो, चाहे सोशलाइज करना, समाज में उठना बैठना हो, उसके लिए उन्हें अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे बनती है ये प्रोस्थेटिक आई और क्या होता है, तो इसमें अगर सिर्फ हमें आँख की जगह लगानी है तो उसके लिए पहले एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कि चोट के बाद आँख को हम आँख के हिस्से को हटाकर वहाँ पर जगह बनाते हैं, जो ख़राब हिस्सा है उसको हटाकर जगह बनाते हैं, और फिर लगभग 2-2.5 महीने के बाद जब हीलिंग पूरी हो जाती है तब हम एक प्रोस्थेटिक आँख वहाँ पर लगाते हैं। तो ये पहले तो कांच की बना करती थी बहुत साल पहले, लेकिन अब एक बहुत अच्छा हार्ड प्लास्टिक एक्रिलिक जो है उससे प्रोस्थेटिक आँख बनती है, जिसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है और जो देखने में बिल्कुल आपको सामान्य हमारी जो दूसरी आँख है उसकी तरह लगेगी। सीधी आँख है तो उल्टी आँख की तरह लगेगी और उल्टी आँख है तो सीधी आँख की तरह लगेगी। उसमें रंग जो भरे जाते हैं वो भी हमारी आँख से मैच करते हुए ही भरे जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की आँख का रंग अलग होता है। ठीक है, तो ये सब सावधानियाँ रखते हुए आँख बनाई जाती है। और जैसे कि आप वीडियो में जो फोटोज़ हैं उसमें देखेंगे कि हमारे सेंटर पर काफ़ी अच्छा काम पिछले कुछ सालों में हुआ है और अभी भी हो रहा है और लोग बहुत खुश हैं, और हम मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है इसके बाद उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो ये जो एक्रिलिक आई होती है ये सेम डे पर बनाकर शाम को मरीज़ को दे दी जाती है, और बहुत ज़्यादा रखरखाव की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में पॉलिश की ज़रूरत पड़ती है वो भी साल में एक बार। बाकी अगर पेशेंट्स को परेशानी है उनके रखरखाव में निकालने रखने में, तो यहाँ पर हमारे सेंटर पर लगाने के बाद भी उनके रखरखाव की जानकारी दी जाती है, और किसी भी सहायता के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स और स्टाफ हमेशा उपलब्ध रहते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि इस आँख में नज़र तो नहीं होती, रोशनी नहीं होती, बट आँख का मूवमेंट होता है। जिस तरह से हम अपनी आँखों को घुमाते हैं तो ये आँख भी हमारी मसल्स के साथ मूव करती है, तो सामने वाला देखकर ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन सी आँख नकली है और कौन सी असली। तो ये पेशेंट के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में या इंटरव्यूज़ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और कोई देखकर ये बता नहीं सकता जब तक आप स्वयं ना बताएं। उसके बाद दूसरा जो एक बहुत बड़ा हिस्सा आया है प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स में, उसमें है पोस्ट कोविड जो ब्लैक फंगस के केसेस में इतनी बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े ऑपरेशन से लोगों को गुजरना पड़ा, तो चेहरे पर बहुत बड़ा डिफेक्ट आया जिसमें कि ऑर्बिटल प्रोस्थेसिस बनाए जाते हैं। उसमें थोड़ा गाल का हिस्सा, पलकें, आँख, आईब्रोज और माथे का हिस्सा, ये सब मिलाकर कभी चश्मा बनाते हैं या फिर इस तरह से लगाने वाले पार्ट बनाए जाते हैं कि उनका रंग हमारे चेहरे के रंग से मिलता है, और वो भी आप फोटो में देख पाएंगे, और सामने वाला पूरी तरह तो नहीं बट काफ़ी हद तक वो सामान्य चेहरा लगने लगता है। और वो व्यक्ति जो चेहरा छुपाकर घूमता है, क्योंकि इतना बड़ा डिफेक्ट होता है कि आप बिना कवर किए जा ही नहीं सकते, तो उसके लिए ये बहुत एक लाइफ सेविंग जरिया है उसके कॉन्फिडेंस को वापस लाने का, जिससे कि वो अपने काम पे वापस लौट पाए
और सामान्य ज़िंदगी बिताने के लिए कोशिश कर सके। तो दर्शकों, इस बारे में और जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। किसी भी डाउट के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए या जानकारी के लिए आप जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। और ये फ़ोटोज़ देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे बिफ़ोर और आफ्टर जो फ़ोटोग्राफ्स हैं कि ज़िंदगी कैसे जैसे रंग भर गए हों वापस ज़िंदगी में। धन्यवाद।